हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रफुल्ल गुप्ता और आज मैं आप लोगों को हीरो ब्रांड की स्टोरी बताने वाला हूँ। तो भाई, हीरो ब्रांड को तो सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ। अगर आप माइनक्राफ्ट सिंगल प्लेयर खेल रहे हैं और आपको अचानक ही एक दूसरा स्टीव दिख जाए और उसकी आँखें एकदम वाइट हो, तो मतलब आपको हीरो ब्रांड दिख गया है। वो आपको दूर दूर से घूरेगा और आप पे अटैक भी करेगा। और जब 2009 में गेम लॉन्च हुई थी तब तो सब ठीक था, लेकिन जब 2010 में एक प्लेयर ने हीरो ब्रांड को देखा तो बहुत सारे प्लेयर्स ने हीरो ब्रांड को देखना स्टार्ट कर दिया। और जो जॉस थे उन्होंने ही माइनक्राफ्ट लॉन्च की थी, तो फिर जॉस को बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, तो फिर उन्होंने हीरो ब्रांड को निकाल दिया। और हैरानी की बात ये है कि हीरो ब्रांड वापस आ गया है और अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, जब स्टीव का जन्म हुआ था तभी स्टीव की तरह एक रहने वाली फैमिली भी रहती थी। और उसके बाद उस फैमिली में टोटल तीन मेंबर्स थे, तीन, और एक बच्चा रहता था उनका, उनके माँ बाप रहते थे, और उस बच्चे का नाम था हीरो ब्रांड, जो एकदम स्टीव की तरह ही दिखता था, एकदम सेम टू सेम स्टीव। और उसके मम्मी पापा स्टीव के जैसे दिखते थे, वो थोड़ा अलग थे। तो हीरो ब्रांड को रात में खेलना बहुत पसंद था। और उसके एक दिन क्या हुआ कि उसके जो बाप थे, मतलब पिता थे, वो जॉब पे चले गए। जॉब पे जाने के बाद जब वो रात में खेल रहा था तो अचानक बारिश होने लगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश में थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो फिर थंडर स्टॉर्म्स भी होने लगे। और उसके बाद एक बिजली का झटका उसके मुंह पे गिरा डायरेक्ट, तो बेचारा हुआ हीरो ब्रांड बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसके पापा अपने जॉब करके वापस आ रहे थे, तो फिर उन्होंने हीरो ब्रांड को बेहोश पड़ा हुआ देखा। यस, और उसके बाद हाँ, वो उसे उठाए, उनके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे किया, जैसे जब कोई भी बेहोश होता है ऐसी करे किया जाता है। तो उस चीज़ के बाद हीरो ब्रांड होश में आ गया। और उसके आँखों में इतने तक थोड़ी थोड़ी लाइट जलने लगी थी, लेकिन बाद में वो अपने आप नॉर्मल हो गया। और उनके माँ बाप को कुछ भी खबर नहीं हुई कि उसके साथ क्या हुआ था। और अगली सुबह जब हीरो ब्रांड अपने घर के नीचे बैठा था पास में ही, तो फिर बाहर सारे बच्चे खेल रहे थे, वो भी नीचे ही बैठा था, तो बॉल हीरो ब्रांड के पास आई। और हुआ यूँ कि हीरो ब्रांड तो ज़ोर से मारी ही नहीं थी बॉल, धीरे से मारी थी एकदम, लेकिन जब उसके अंदर हीरो ब्रांड की सारी एनर्जी आ गई थी बिजली के गिरने पे, जबकि उसने ज़ोर से मारी नहीं थी, उससे ज़ोर से लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बच्चे के सर पे लग गई और वो बच्चा वहीं मर गया। फिर जो बाकी बच्चे थे वो भागे नहीं, वो उल्टा उसे मारने लगे हीरो ब्रांड को। जब उन्होंने बहुत मारा तो फिर हीरो ब्रांड को गुस्सा आ गया, एक बिजली का झटका दिया और तुरंत सारे के सारे बच्चे वहीं मर गए। फिर उनकी जो माँ थी वो ऊपर खिड़की से देख रही थी, और फिर जब उन्होंने सब कुछ देखा खिड़की से, तो फिर वो नीचे आई तुरंत। उन्होंने हीरो ब्रांड को अकेले ही बाहर छोड़ दिया, अब वो एकदम अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। तो फिर इसीलिए आपको हीरो ब्रांड कहीं भी मिल सकता है, गेम में भी मिल सकता है आपको,
वो फॉरेस्ट में मिल सकता है आपको, कहीं भी मिल सकता है। और आगे की स्टोरी सुनिए कि जब वो बच्चा था तो फिर वो जैसे ही निकला ना घर से, वो अपने वो ट्रेनिंग करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, शीप्स और भेड़ियों को मार के खा लगा हेल्दी फूड, और लकड़ी के हथियार बनाने लगा, और बहुत सारी ट्रेनिंग करके, बहुत सारी एक्सरसाइज करके, बहुत सारी चीज़ें करके वो बड़ा हो गया आखिरकार। और वो इतनी फाइट करते थे, उसके अंदर एनर्जी पूरी भर रही थी, इसलिए उसकी वाइट एकदम वाइट हो गई, जैसा कि आप देख जानते हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर थंडर गिरी है, माइनक्राफ्ट में थंडर का कलर वाइट ही होता है, तो फिर इसलिए उसका भी वाइट हो गया, और इसलिए वो थंडर को भी कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद जब वो बड़ा हो के एकदम स्ट्रांग बन गया था, इसलिए उसे डिफीट करना इम्पॉसिबल है। तो फिर भाई ये थी हीरो ब्रांड के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल द मास्टर प्रखर को, अगर नहीं भी पसंद आए तो ये सब कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।